मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। उससे पहले मेरे ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। मैं आज आपको हुंडई का एन लाइन दिखाने वाला हूँ, वेन्यू का, और चलिए शुरू करते हैं। जो कि आपको यहाँ पास सामने में आपको रेड रेड कलर का आपको यहाँ पास ये देखने को मिल जाता है, और कुछ इस तरह से आपको सामने का लुक देखने को मिल जाता है। और एन लाइन की यहाँ पास बेजिंग दी गई है ये यहाँ पास, और क्रोम का यहाँ पास यूज़ किया गया है, और ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलता है। हुंडई का लोगो बड़ा सा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पास नीचे में रेड कलर का आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ प्रोजेक्टर लाइट आपको देखने को मिल जाता है, और हाई बीम के लिए यहाँ पास हैलोजन बल्ब का यूज़ किया गया है छोटा सा, ठीक है। और इंटीरियर की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको हैलोजन बल्ब में दी गया है। और इसकी बात की जाए इसकी मिरर की, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, जो कि एंस्टर में ऐसा ही इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पास एन लाइन की बेजिंग दी गई है, और ये एन लाइन आपको ऑटोमेटिक में देखने मिल जाता है। साइड के लुक की कुछ इस तरह से आपको रेड कलर में भी दिया गया है, और यहाँ पास भी आपको रेड का यूज़ किया गया है, यहाँ पास भी आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है और रेड का यूज़ किया गया है। और कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है साइड का लुक, साइड के लुक में यहाँ पास आपको एन लाइन की बेजिंग दी गई है। और इसकी एलाइवल की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको एलाइवल देखने को मिलता है, और इसके टायर की साइज़ की बात की जाए तो 215/60R16 का पुरभाई का टायर देखने मिलता है, 16 इंच का आपको टायर देखने मिलता है, और आगे में आपको डिस्क ब्रेक देखने मिलता है, जो कि इस तरह से आपको मस्त रेड कलर में फिनिशिंग भी दिया गया है। और पीछे की बात की जाए तो पीछे में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने मिलता है, और सभी में आपको डिस्क ही देखने को मिलता है, और MRF के टायर दी गई है लाइन में, और कुछ इस तरह से आपको दिया गया है। आपको कीले से एंट्री बटन यहाँ पास दिया गया है, कीले एंट्री बटन यहाँ पास दिया गया है, और मिरर कुछ इस तरह से आपको देखने मिलता है, मिरर मस्त ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, पियानो ब्लैक कलर में। और इसकी बात की जाए तो इधर की, तो यहाँ पास आपको ये बटन नहीं दिया गया है। एसी के साथ इंटीरियर पर जाकर देखते हैं, इस तरह से आपको वो देखने को मिलता है। पावर विंडो का बटन कुछ इस तरह से आपको दिया गया है, पावर विंडो का बटन कुछ इस तरह से आपको दिया गया है। और इसकी बात की जाए तो ये डिजिटल मीटर आपको देखने मिलता है, और यहाँ पास की बात की जाए तो ये क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है, एंड गाना कम ज़्यादा करने के लिए, आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए दिया गया है, और मोड अलग अलग मोडें दी गई हैं, फ़ोन काटने और उठाने के लिए दिया गया है, और आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए और गाना बदलने के लिए दिया गया है, और क्रूज़ कंट्रोल कम ज़्यादा करने के लिए भी दिया गया है, स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। और यह आपको ऑटोमेटिक है, जो कि यहाँ पास आपको यहाँ पास गियर नॉब में आपको एंड की बेजिंग भी दी गई है, और यहाँ पास आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और डिजिटल मीटर आपको पहले ही बता दिया हूँ, पूरा ब्लैक एंड रेड स्टिचिंग में आपको यहाँ पास दिया गया है, और यहाँ पास स्टिचिंग का नहीं बताया था, यहाँ पास स्टिचिंग आपको रेड कलर में देखने को मिल जाता है। और इसकी बात की जाए तो SOS का बटन यहाँ पास, और ये करने के लिए आपको यहाँ पास दिखाया गया है, फोकस कर ले भाई मेरे, फोकस कर ले, हाँ, और ये कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पास आपको सरूप भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पास आपको माइक दिया गया है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पास मिरर दिया गया है, और ड्राइवर साइज आपको मिरर नहीं देखने को मिलता है, और पैडल शिफ्टर भी दिया गया है। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो कुलडेबल ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। आर्मरेस्ट की बात की जाए कुछ इस तरह से आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पास आपको वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल जाता है, और भी चार्जिंग करने के लिए यहाँ पास स्लॉट दिया गया है, 12 वाट का यहाँ पास ये सिगरेट यहाँ पास दिया गया है, और आईफोन चार्जिंग करने के लिए यहाँ पास दिया गया है। एसी का कंट्रोल आपको ऑटोमेटिक में देखने को मिलता है, ठीक है, और ये ड्राइविंग मोड यहाँ पास दी गई है, ड्राइविंग मोड दी गई है। और गियर की बात की जाए तो ऑटोमेटिक में आपको दिया गया है, पार्किंग रिवर्स एंड न्यूट्रल और डी में लगाकर डी ड्राइव कर सकते हैं। जाए तो कुछ इस तरह सबको एसी बैंड दिया गया है,
और कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और एसी वेंट की बात की जाए यहाँ पास की, तो कुछ इस तरह से आपको एसी का वेंट दिया गया है। और यहाँ पास आपको ट्विटर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पास आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको आगे में दो ट्विटर देखने को मिलते हैं और दो स्पीकर आगे में देखने मिल जाता है। और पीछे की बात की जाए तो दो स्पीकर पीछे में भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पास आपको ये बटन दिया गया है ये सर खोलने के लिए। और अब पीछे की बात कर दीजिए यार, तो पीछे में देखते हैं किस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। और उससे पहले ये ऑटोमेटिक के कारण कुछ इस तरह से आपको एक्सेलेरेटर एंड ब्रेक दिया गया है। रियर में आपको यहाँ पास एसी का विंड दिया गया है और आईफोन या आईओएस चार्जिंग करने के लिए यहाँ पास दिया गया है। और कुछ इस तरह से आपको डोर देखने को मिल जाता है और यहाँ पास लेदर का यूज भी किया गया है। और मस्त ये रेड स्टिचिंग, यहाँ पास रेड कलर का यूज़ भी किया गया है। फुली आपको लेदर सीट कवर में आपको देखने को मिलता है। ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पास एसी की दी गई है और फुली आपको लेदर सीट कवर के साथ देखने को मिलता है। इंटीरियर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ब्लैक कलर में आपको इंटीरियर देखने को मिलता है और हल्का फुल्का रेड कलर में आपको देखने को मिलता है एयरलाइन के कारण। और यहाँ पास स्पॉइलर मस्त ब्लैक कलर में आपको दिया गया है और साफ एंटीना कुछ इस तरह से आपको दिया गया है। पीछे की पार्किंग सेंसर की बात की जाए तो पार्किंग सेंसर आपको 1 और 2 पार्किंग सेंसर आपको पीछे में देखने मिलता है। और यहाँ पास मस्त वेन्यू कुछ इस तरह से लिखा हुआ आता है मस्त गिफ्ट में। और एयरलाइन की यहाँ पास रेजिंग दी गई है, टेल लाइट इस तरह से दिया गया है। वहीं पर कुछ इस तरह से आपको दिया गया है, डिफॉगर भी यहाँ पास दिया गया है। और यहाँ पास वाशर दिया गया है पानी निकलने के लिए। और स्पॉइलर मस्त ब्लैक कलर में दिया गया है। तो इसके इंजन की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको इंजन देखने को मिलता है और यहाँ पास टर्बो GDI का बैजिंग भी दिया गया है। कुछ इस तरह से आपको इंजन देखने का 50 एम्पियर का दिया गया है। तो इसकी इंजन की बात की जाए तो टर्बो में आती है, 1 लीटर का आपको इंजन देखने मिलता है, 998 cc का आपको इंजन देखने मिलता है, 3 सिलेंडर आपको इंजन देखने मिलता है। इसकी BHP की बात की जाए तो 118 BHP देखने मिलता है। इसकी NM की बात की जाए तो 172 NM का टॉरेज मिलता है। अब इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।